क्या औरतों को 10 इंच साइज का चाहिए? क्या 10 इंच से ही सेटिस्फेक्शन मिल सकता है? मेरा छोटा है, मुझे लंबा करना है, ऐसे सवाल लेके लोग मेरे पास में आते रहते हैं। आज मैं वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि लंबा चाहिए तो कितना लंबा चाहिए और औरतों को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए कितना। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। औरतों का इंटरव्यू लिया और औरतों को पूछा, मतलब ये सवाल का जवाब मिल सकता है कि भाई कितना लंबा चाहिए, क्या चाहिए, क्या नहीं। मगर बहुत सारी इंडियन औरतें जो है वो बहुत शर्माती है और बताती नहीं बराबर। लोग सेटिस्फाई करने के लिए फोरप्ले करती नहीं है, क्लिटोरल स्टिमुलेशन करती नहीं है और फिर उसकी वजह से औरतों का समाधान नहीं होता। अब जब फोरप्ले नहीं है, क्लिटोरल स्टिमुलेशन नहीं है तो औरतों का समाधान नहीं होता, तो उसका कारण दिया जाता है कि लिंग का साइज छोटा है, लंबाई छोटी है इसलिए नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली 100 में से 85% मतलब 100 में से 85 औरतों ने यह बोला है कि उनका सिर्फ वजाइनल करके मतलब योनि में लिंग डाल के उनका समाधान होता नहीं है। उनका समाधान क्लाइटोरिस जो है योनि लिंग उसका स्टिमुलेशन करके ही होता है। तो फिर वो जो वजाइनल सेंसिटिविटी जिनको है और जिनको वजाइनल चाहिए और वहाँ से उनको समाधान मिलता है, उनके लिए फिर कितना चाहिए लंबा, तो ये भी सवाल आता है। तो रिसर्चर्स ने क्या किया है कि भाई सेक्स टॉयज फॉरेन में किया है स्टडी कि भाई सेक्स टॉयज कितनी लंबी खरीदी जाती है, मतलब जो आर्टिफिशियल पेनिसेस मिलते हैं। तो औरतें खुद का समाधान करने के लिए जो आर्टिफिशियल पेनिस मिलते हैं उनकी साइज कितनी होनी चाहिए लंबी, तो डिल्डोज जो है डिल्डोज तो मेल ऑर्गन जैसे दिखते हैं तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी जो औरतों ने किया तो उसका एवरेज निकाला कि कौन से कितने लंबाई जो डिल्डो है उनका ज़्यादा मतलब खरीदी होती है औरतों से, तो एवरेज साइज मतलब लंबाई निकली 6.57 इंचेस उनको उतना चाहिए ऐसा उनको लगा औरतों को। और उनको लगा कि इतना लिया तो समाधान होता है, मतलब ज़्यादा बिक्रा जो हो रहा था, सेल जो हो रहा था वो 6.57 एवरेज में हो रहा था और गोलाई में 5 इंच वाला जो है उसका ज़्यादा सेल हो रहा था। तो वहाँ से निष्कर्ष निकल सकता है कि भाई उनको 6.5 इंच तभी कम से कम चाहिए औरतों को समाधान करने के लिए, ऐसा वो स्टडी बोलता है, या 5 इंच गोलाई जो है गर्थ वो चाहिए। फिर उन्होंने और एक स्टडी किया कि अलग अलग वेबसाइट्स जो है जो बेचती है सेक्स टॉयज, तो उनका स्टडी किया कि वहाँ से कितने लंबाई का पेनिस या सेक्स टॉयज बेचे जाती है, तो उनको ये दिखा कि 4 से 6 इंच ये जो है रेंज इसमें ज़्यादा होता है, 4 से 6 इंच। और वो 8 अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर स्टडी किया तो मालूम पड़ा, लंबा स्टडी था ये, बड़ा स्टडी था और 4 से 6 इंच में ज़्यादा खरीदारी थी, मतलब इसमें कम लंबाई का खरीदा औरतों ने। ये स्टडी में ऐसा भी निकला कि प्राइस के ऊपर, मोटापा जो है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है औरतों के बजाय लंबाई के ऊपर, मतलब लंबाई से भी ज़्यादा उनको मोटा चाहिए और कीमती चाहिए वो ज़्यादा बेचे गए। एक 2015 का स्टडी है, तो वो स्टडी में ऐसा जब औरतों को पूछा, चेक किया अलग अलग स्टडीज में, मालूम पड़ा कि 6.4 इंच लंबाई यदि है और 5 इंच गोलाई है गर्थ तो वो औरतों को चाहिए जब वो कभी कभी पार्टनर के साथ में मिलते हैं, तब कभी कभी मतलब ओकेजनल पार्टनरशिप दोस्ती में मिलते हैं, तो दोस्ती में मिलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल या प्री मैरिटल रिलेशनशिप में इनको 6.4 इंच लंबाई में और 5 इंच गोलाई में चाहिए एवरेज में, ऐसा निकल गया है स्टडी में। और वही औरतों को पूछा कि नहीं जो आपका रेगुलर पार्टनर है उसके साथ में कितना चाहिए, तो 6.3 इंच लंबाई में और 4.8 इंच गोलाई में मालूम पड़ा। मतलब कभी कभी मिलने वाला पार्टनर जो है उसमें उनकी अपेक्षा, औरतों की अपेक्षा ज़्यादा थी कि लंबा ज़्यादा होना, और हरदम मिलने वाला पार्टनर जो है उसमें थोड़ा छोटा रहा, तो भी चलता है क्योंकि उनमें फिर उनको और ज़्यादा बातें आकर्षित करने लगी कि भाई अच्छी रिलेशनशिप है, रिलैक्स वातावरण है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, फोरप्ले अच्छा हो रहा है, तो फिर ये सब रहा तो फिर उनको जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, लंबी रिलेशनशिप, तो लंबी रिलेशनशिप में औरतों ने यह बताया
कि लंबाई में कम रहा तो भी चलता है। एक 2021 में एक स्टडी की उसका देखा तो भाई जनरल ऑफ सेक्स एंड मैरिटल थेरेपी में ये पब्लिश की गई स्टडी, वो जनरल में स्टडीज है, उसमें 10 स्टडीज है, उन्होंने कठोर पेनिस जो होता है उसके ऊपर स्टडीज किया और 21 स्टडीज है जो स्ट्रेच पेनिस के ऊपर किया। तो ये स्टडीज में मालूम पड़ा कि 5.1 इंच टू 5.5 इंचेस मतलब औरतों को सेटिस्फाई करने वाला साइज था। देखो मतलब अलग अलग स्टडीज में अलग अलग निष्कर्ष निकल के आए हुए हैं। एक 2001 का स्टडी है, वो है जर्नल ऑफ विमेन्स हेल्थ, उसके बारे में है। वो स्टडी में 50 में से 45 औरतों ने ये बताया कि उनको लंबाई से भी मोटापा ज़्यादा पसंद आता है, मतलब लंबाई में ज़्यादा उनका आकर्षण नहीं था। ये सब बातें बताती है कि भाई अंदर वजाना में ज़्यादा अंदर तक सेंसिटिविटी रहती नहीं है, ज़्यादा अंदर तक सेंसिटिविटी रहती नहीं है। 1.5 इंच 2 इंच अप्रॉक्सीमेटली सेंसिटिव रहती है अंदर, फिर कितना भी लंबा अंदर गया तभी भी उनको मालूम नहीं होता, सेंसिटिविटी रहती नहीं है कि भाई कितना लंबा है। कि इसलिए फिर मोटापा कितना है मतलब गोलाई कितनी है वो ज़्यादा उनको अपील करती है और वो ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। तो सभी को जो पुरुष है उनको मेरा बोलना है ये है कि भाई लंबाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। नहीं नहीं लोग चिढ़ाते हैं, लोग क्या क्या बोलते हैं, भाई लोगों को क्या बताते थोड़ी घूमते हैं कि भाई मेरा कितना लंबा है। अपने आप को ही लगता है, आपने एक बिलीफ बना के रखा हुआ है कि लंबा रहा तो सेटिस्फाई कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं है। मोटापा ज़्यादा पसंद आया औरतों को, ऐसी अलग अलग स्टडी बताती है। और वो मोटापे में 5 इंच और लंबाई में 5.5-6 इंच ये अंदाजन मतलब सब स्टडीज में ऐसा निकल के आया है। फिर उनको ये भी पूछा औरतों को कि भाई कितना समय तक स्टेमिना टीका तो उनको अच्छा लगता है, सेटिस्फाइंग लगता है, या उनको ऑर्गेजम कितने समय में आता है। तो स्टडीज में मालूम पड़ा कि 7 to 13 मिनट्स 7 से 13 मिनट ये रेंज रहा मैक्सिमम औरतों को, कि कोई औरतों को 7 मिनट में समाधान मिला, कोई औरतों को 13 मिनट में समाधान मिला। मतलब इनका हम एवरेज निकालते तो ये आता है 10 मिनट। तो इसका ही मतलब ये हो गया कि ये औरतों ने जब ये उनको पूछा कि स्टेमिना का क्या मतलब है या महत्व है, आपको कितने देर तक चलना चाहिए ऐसा लगता है, तो उन्होंने 7 से 13 मिनट तक बोला। तभी इसका मतलब ये हो गया कि ना लंबाई ना मोटापा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नो देने की जरूरत नहीं है। आप आपके स्टेमिना के ऊपर काम करो कि आप कितना ज़्यादा टिक सकते हैं और कितना ज़्यादा इंटरकोर्स कर सकते हैं ताकि उससे ऑर्गेजम या एक्साइटमेंट या क्लाइमैक्स स्त्री को आया जाएगा। फोर प्ले जरूरी है, क्लाइटोरल स्टिमुलेशन जरूरी है, और वो आप करते हैं तो आप हर औरत को सेटिस्फाई कर सकते हैं, मतलब कोई भी औरत किसी भी तरह की रही तो उसको सेटिस्फाई आप कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि फोर प्ले जरूरी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 80-85% महिला ये बोलती है कि उनको सिर्फ योनि मार्ग से क्या हुआ संभोग जो है उसमें मज़ा आता नहीं है, उनको क्लाइटोरल स्टिमुलेशन से ही मज़ा आता है, क्लाइमैक्स आता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।